हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, उनको किस फील्ड में सफलता मिलेगी, उनकी राजनीतिक प्रगति क्या होगी, आयात निर्यात करेंगे या विदेश यात्रा से धन लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी या उच्च पद प्राप्त होगा, और आज आपको किस फील्ड में सफलता मिलेगी, सरकार से क्या लाभ मिलेंगे, सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, और ये भी बताऊंगा कि आपके लिए सावधानियां क्या बरतनी, उपाय क्या बरतना है, ये सब आज हम आपको जानकारी देंगे। अगर आपको ये मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा था, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा अगर आपके मन में है तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाके अपना नाम लिखें, जन्मतिथि लिखें, जन्म समय लिखें और जन्म स्थान लिखें, ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि के जातकों के बारे में कि जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा या कालखंड कैसा रहेगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। तो जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेगा, नए तरह के कार्य होने के शुभ संकेत मिलेंगे, माली हालत आपकी अच्छी होगी और आपकी सामाजिक भूमिका बड़ी सशक्त होगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे, नए तरह के कार्य होने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, ढेर सारे कार्य एक साथ होने की संभावना बन रही है, द्रुत गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें, सरकार से आज आपको लाभ मिलेगा, सरकारी उच्च पद प्राप्त होने की भी संभावना दिख रही है। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं या पुस्तक लिखना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है। आप कोई भी रचना करेंगे तो रचना आपकी हिट हो सकती है, तो किताब वगैरह लिख सकते हैं। आप अपने स्किल से, बौद्धिकता से और सलाह से आज आप पैसा अर्जित करेंगे, धन अर्जित करेंगे, नए तरह के कार्य होने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा और चतुर्दिक सफलता मिलते हुए भी दिख रही है। परिवार में भाई बहनों का सुख मिलेगा, यदि कोई भाई अविवाहित है तो उसके विवाह उवाह के रिश्ते होने के शुभ समाचार मिलेंगे, घर में नए मेहमान के आने की भी संभावना बन रही है, रोग और शत्रु परास्त होंगे, खड़ेंत्रकारी विफल होंगे, शिक्षा के क्षेत्र से आज आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आप कीमती राय देकर के पैसा अर्जित करेंगे, द्रुत गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें और दाम्पत्य जीवन आज आपका अच्छा रहेगा, माली हालत अच्छी रहेगी, पत्नी को नौकरी मिल सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं और अपना कहीं अच्छे करियर के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल में अगर आप प्रवेश लेने की इच्छा रखते हैं तो आपकी इच्छाएँ आज पूर्ण होते हुए दिख रही है और विदेश गमन का भी योग बन रहा है, आयात निर्यात से धन लाभ होगा। यदि आप किसी स्ट्रेंजर व्यक्ति से डील कर रहे हैं तो आज आपको बचने की ज़रूरत है, नहीं तो उसमें आज आपको भारी नुकसान होते हुए दिख रहा है। आज आपको सावधानी की बरतनी है, अज्ञात व्यक्ति से कोई भी लेन देन ना करें, कोई डील ना करें, नहीं तो आज आपको भारी नुकसान होते हुए दिख रहा है। आज आपको उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना है और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नीले रंग का वस्त्र दान करना आपके लिए हितकर होगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है नीला। हरे कृष्ण।